अरे गाइस यार, आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि लॉस सैंटोस के अंदर हो चुकी है। तो आप सभी लोग दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि हम आपको वो कहानी इस जादुई लैपटॉप के अंदर दिखाने वाले हैं यार। तो फ्रैंकिन भाई, जल्दी से कहानी स्टार्ट करो। तो कहानी की शुरुआत में हम 1990 का समय देखते हैं, जहाँ एक फैमिली समुद्र के किनारे एक घर में रहा करती थी। फैमिली के अंदर दो कपल और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। और रात को जब वो फैमिली कैंपिंग करके अपने घर के बाहर सो रही थी, तो उसके डैड को एक अजीब सी आवाज आती है। और उस बच्ची का बाप देखता है कि ये आवाज तो सीधा समुद्र के अंदर से आ रही है, और ये तो बिना कुछ सोचे समझे समुद्र के अंदर छलांग मार देता है। और जैसे ही इस बच्ची के डैड समुद्र के बाहर आते हैं, उन्हें कोई अंदर से खींच लेता है, जिसके बाद उस आदमी का कुछ भी पता नहीं लगा। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहां मैक्स और उसकी वाइफ एक पेट शॉप में बहुत सारे जानवर बेचा करते थे, और उनका बेटा भी उनकी मदद करता था, जो कि सभी जानवरों की देखभाल करता था। और जैसे ही उनकी शॉप बंद करने का टाइम आता है, उनके पास एक वकील आता है, जो कि मैक्स को बोलता है कि मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैक्स की वाइफ बोलती है कि मैक्स की मम्मी तो 2 हफ्ते पहले ही मर चुकी है। तो वकील बोलता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैक्स की फैमिली ने इससे बहुत सारे राज छुपा रखे हैं, जो कि इसकी मम्मी ने भी इसे नहीं बताए थे। तो मैक्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे मोम डैड का एक पुराना घर है, जो कि समुद्र किनारे बसा हुआ है, और उस घर के आखिरी मालिक तुम ही हो, ये लो उसकी चाबी पकड़ो। तो मैक्स बोलता है, मेरे पापा तो पहले ही मर चुके थे। तो वकील बोलता है, नहीं तुम्हारे पापा मरे नहीं थे, वो उसी घर के आसपास कहीं खो गए थे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि कहानी की शुरुआत में जो हमें फैमिली दिखाई थी, वो मैक्स के मोम और डैड थे। तो अब मैक्स भी समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने उससे झूठ बोला था। तो इसी के साथ मैक्स अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है उस वाले घर के लिए, क्योंकि मैक्स देखना चाहता है कि वो घर रहने लायक है भी या फिर नहीं। लेकिन मैक्स को अब ये यकीन हो चुका है कि उसकी मम्मी ने उससे झूठ बोला था। तो इसी के साथ मैक्स और उसकी फैमिली पहुंच जाती है अगली रात को उस वाले घर के पास। और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि मैक्स और उसकी फैमिली के अलावा यहाँ पे और कोई भी इंसान नहीं था। लेकिन थोड़ी आगे चलने के बाद मैक्स और उसकी फैमिली को रास्ते में बहुत सारे पत्थर दिखते हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी ने जानबूझ के लगाए हैं। और अब मैक्स को कैसे भी करके ये सारे पत्थर हटाने पड़ेंगे। तो मैक्स ने यहाँ पे सारे पत्थर हटा दिए हैं, और फाइनली अब मैक्स और उसकी फैमिली पहुंच चुके हैं अपने इकलौते सबसे पुराने घर के अंदर। और देखने में तो ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा है, और मैक्स और उसकी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन मैक्स के साथ यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई, मैक्स ने घर की चाबी कहीं पे गेर दी है, और घर की दूसरी चाबी उस वाले वकील के पास है, जो कि कल सुबह आएगा। तो अब इन तीनों को कैसे भी करके घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। और ये तीनों चलते चलते अपने घर को एक्सप्लोर कर रहे थे, और ये देखते हैं कि इनके घर के पीछे तो बहुत बड़ा खेत है। और कुछ देर बाद मैक्स का बेटा यहाँ पे सो जाता है, क्योंकि ये पूरे 2 दिन से ट्रेवल करके आए थे। लेकिन मैक्स और उसकी वाइफ यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कहीं उनका बेटा उठ ना जाए। उसके बाद मैक्स और उसकी वाइफ चलते चलते इस घर के किनारे पे आ जाते हैं, और तभी मैक्स और उसकी वाइफ की नजर इन वाली सीढ़ियों पे जाती है, जो कि सीधा इस वाले ओशन के अंदर जा रही थी। और अब इन दोनों को देखना है कि ये वाली सीढ़ियां आके जाती तो जाती कहां पर है। और चलते चलते ये दोनों सीधा पहुंच जाते हैं ओशन के पास। लेकिन तभी मैक्स और उसकी वाइफ को वहां पे एक ऐसी चीज दिखती है, जो कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि सामने में यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई थी, जो कि देखने में तो कोई समुद्री जीव नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत देखने में अजीब था। लेकिन मैक्स कैसे भी करके इस अजीब से जानवर को समुद्र के अंदर फेंक देता है। और दूसरी तरफ जंगलों में से भागता हुआ कोई बाहर आता है, जिसके बड़े बड़े हाथ पैर थे, जो कि सीधा मैक्स के बेटे के पास जाता है। और ये क्या, ये तो बिल्कुल उसके पास चले जाता है। और तभी मैक्स और उसकी वाइफ को उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है, और ये दोनों सीधा अपने बेटे के पास भागते हुए जाते हैं। और जैसे ही मैक्स अपने बेटे के पास पहुंचता है, वो देखता है कि वो बहुत डरा हुआ था, और वो बोलता है कि उसने यहाँ पे किसी अजीब सी चीज को देखा है। लेकिन मैक्स को लगता है कि इसका बेटा कोई सपना देख रहा था, और वहाँ दूसरी तरफ सुबह होने वाली थी, इसलिए वकील भी इनके घर के पास आ जाता है, क्योंकि वकील के पास इस घर की दूसरी चाबी थी। और वकील देखता है कि मैक्स की गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है, इसलिए वो घर के पीछे जाता है, और वकील को मैक्स दिख जाता है। लेकिन वकील यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देता है,
ये टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता लेता है जो कि जंगलों के बीच में से जाता था। और जिस बात का डर था वही हुआ। वकील रास्ता भटक चुका था और अब ये जंगलों के बीच में भटके जा रहा था। वकील को सामने कुछ खड़ा हुआ दिखता है और ये कार से उतर के उस चीज के पास जाता है। लेकिन वकील ने कार से उतर के बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि यहाँ पे एक समुद्री राक्षस उसको मारने वाला था। और देखते ही देखते ये समुद्री मॉन्स्टर वकील को पूरा खा जाता है। और उस वकील की आवाज मैक्स की वाइफ सुन लेती है जिससे कि इसकी नींद खुल जाती है और वो आवाज देखने के लिए उसका पीछा करती है। लेकिन जैसे सही मैक्स की वाइफ थोड़ा आगे जाती है वो देखती है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया और वो बहुत तेज की चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के मैक्स भी अपने कमरे से बाहर आता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और जब उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसने वहाँ पे कोई देखा है तो मैक्स देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा। लेकिन मैक्स की वाइफ कहती है कि उसने वकील की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। तो मैक्स की वाइफ की तसल्ली के लिए मैक्स चले जाता है जंगलों के थोड़ा सा आगे ताकि वो देख सके कि जो वो वकील था वो एकदम ठीक है या फिर नहीं। और जैसे ही मैक्स थोड़ा जंगलों के अंदर आता है वो देखता है कि वकील की कार तो यहीं पे खड़ी है। लेकिन वकील तो कार के अंदर था ही नहीं। और ये क्या, जैसे ही मैक्स थोड़ा आगे जाता है वो देखता है कि वकील तो यहाँ पड़ा है जिसको किसी ने खा रखा था। और ये सोच के मैक्स जल्दी से अपनी फैमिली के पास भागता है क्योंकि वो समझ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और चलते चलते वो पुलिस वाले को भी कॉल कर देता है ताकि जल्दी से यहाँ पे पुलिस आ जाए। और मैक्स कैसे भी करके हड़बड़ाते हुए भागते हुए अपने घर के पास आ जाता है और वो जल्दी से अपनी वाइफ को सारी कहानी बता देता है कि वहाँ पे वकील की लाश पड़ी हुई है, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैक्स और उसकी वाइफ अपने बेटे को भी अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। और दूसरी तरफ ये पुलिस वाला भी अपने मैक्स के पास पहुंच जाता है। लेकिन इस पुलिस वाले ने भी एक गलती कर दी थी कि ये जंगल के रास्ते आया था और जंगल के रास्ते में तो वही मॉन्स्टर रहता है। और जैसे ये थोड़ा आगे जाता है तो इसे उस वकील की कार भी मिल जाती है और फ्रैंकिन ने भी इस पुलिस वाले को यहीं से कॉल करा था। लेकिन ये क्या, ये अचानक से पुलिस की कार के ऊपर क्या आ गया और ये मॉन्स्टर पुलिस वाले को भी कार से बाहर निकाल के उसे जिंदा खा जाता है। अब तो मैक्स की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है क्योंकि ये पुलिस वाला भी अब मर चुका है। पुलिस वाले को खाने के बाद इस मॉन्स्टर को मैक्स और उसकी वाइफ की स्मेल आ चुकी थी और ये सीधा भागते हुए उन्हीं के घर की तरफ जा रहा था। और ये मॉन्स्टर भागते भागते मैक्स और उसकी फैमिली के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसी टाइम मैक्स की वाइफ को इन टैंक्स के अंदर से एक बॉम्ब मिल जाता है जो कि ये सीधा इस वाले मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है। और देखते ही देखते ये मॉन्स्टर जल की तड़प के मर जाता है। तो आखिरकार मैक्स की वाइफ ने इस वाले मॉन्स्टर को जला के मार ही दिया। तो अब मैक्स और उसकी फैमिली समझ चुकी है कि मैक्स की मम्मी ने उससे इस घर के बारे में झूठ क्यों बोला था। और अब मैक्स ये भी समझ चुका है कि उसके पापा लापता कैसे हुए थे। तो गाइस यार, आपको आज वाली स्टोरी कैसी लगी? तो अगर आपको आज वाली स्टोरी में मजा आया हो तो कमेंट में जल्दी से जाके हाय लिख देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको आज वाली स्टोरी में मजा आ गया। और गाइस यार, अगर आपको इस तरीके की स्टोरी और भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के ये भी बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।